नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन संस्थान परीक्षा प्लस में। अभी अभी अधीनस्थ ने आप सभी के लिए और खासकर महिलाओं के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी दी है। उनके लिए बाल पुष्टाहार की जो वैकेंसी इतने दिन से मैं बोल रहा था कि बहुत जल्द आएगी, जुलाई के मंथ में ही आएगी, पहले वीक में, और पहले ही वीक में आज 4 तारीख को उसने नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है। उससे संबंधित तमाम जानकारी मैं आपके सामने लेके आया हूं। लेकिन यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, क्योंकि इस एग्जाम से संबंधित बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहां पर मिलने वाली है। इसका कोर्स कैसे होगा, इसकी तैयारी कैसी होगी, कौन सी किताबें जरूरी है, रणनीति क्या होनी चाहिए, सब कुछ इस चैनल पर आपको बताया जाएगा। और भी बहुत सारी चीजें यहां पर आपके सामने हम लोग लेके आएंगे समय समय पर। तो यहां पर आपको मैं पहले ये बता दूं कि अभी अभी जो आया है आज की वैकेंसी, आज जो आया है इसमें बाल पुष्टाहार और इसकी जो डेट है ये 3/8/2022, ठीक है। यहाँ पे देखो तो ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करना प्रारंभ होने की तिथि अगर है तो ये अगस्त में किया जाएगा, लेकिन अभी से दे दिए हैं, क्योंकि अल्टीमेटली आयोग का और शासन का, मैं बार बार ये कहता हूँ कि ये केवल माइंड गेम खेल रहे हैं, और मैं आगे भी उसकी पुष्टि करूंगा। हालांकि फीस सबमिट करने की जो है लास्ट डेट वो 24/8 है, और शुल्क समायोजन आवेदन में संशोधन की अंतिम तिथि 31 है। अभी आपके लिए ज्यादा जरूरी है, बाकी चीजें आप ध्यान दे लेना। तो 3/8 यहाँ पे 3 अगस्त से फॉर्म भरा जाएगा, अभी नहीं। आगे इसकी चर्चा कर लें तो यहाँ पे जो मुख्य मुख्य बातें हैं कि एलिजिबिलिटी क्या होगी, कितने टोटल पद हैं, इसकी मैं बात कर लूँ, और बाकी डिटेल जो होगा वो तो आपको बताया ही जाएगा। हमेशा की तरह इसमें भी इसने क्या किया है कि 25-25 रुपए का शुल्क पहले जमा कर लिया है। मुझे लगता है कि जितना चालाकी अधीनस्थ आयोग करता है इतना कोई नहीं कर सकता। ना ही ये कट ऑफ बताता है पहली, ना ही ये सिलेबस बताता है, क्योंकि सिलेबस बता देगा तो भी बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, छट जाते हैं। उसने केवल एलिजिबिलिटी बता दिया है और बोल दिया है कि जितने पीटी में आवेदन किए थे सभी लोग भरो, सभी लोग 25-25 रुपए देके उनका कहीं ना कहीं रुपए उनके खजाने में भरते हुए चले चलो। खैर, इसके बाद हम यहाँ पे और आगे बढ़े तो ये देख लेते हैं कि कुल कितने पद हैं। तो कुल पदों की संख्या जो है वो 2693 है। कितनी है? 2693 है, इस बात का ध्यान रखना, है ना। 2693 टोटल पद हैं, ये जो आपके लिए इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैं दे रहा हूं, जिसमें जो एज एलिजिबिलिटी है वो 21 से 40 साल है। और यहां पे ये 21 से 40 साल परीक्षा के जो फॉर्म है उस भरने के अंतिम तिथि तक है। और दूसरी बात ये है कि इसका अब सिलेबस आपको जानना होता है कि सिलेबस आखिर क्या है, तो मैं आपको सिलेबस दिखा दूं, बाकी चीजें जो रिलैक्सेशन है वही है। एक खास बात यह है, ये केवल और केवल महिलाओं के लिए है, और अनिवार्य जो अहर्ता है शैक्षिक है उत्तर प्रदेश बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार अधीनस्थ सेवा नियमावली 1992 यथा संशोधित ये जो दिया हुआ है इसके हिसाब से अगर आप देखा जाए तो पूछ कह रहा है कि समाज शास्त्र या समाज कार्य या गृह विज्ञान या पोषण और बाल विकास के साथ कला में स्नातक उपाधि होनी चाहिए। मतलब कि जो सोशल वर्क वाले हैं, ठीक है, समाज कार्य वाले, जो गृह विज्ञान वाले हैं, होम साइंस वाले हैं, जो समाज शास्त्र वाले हैं, सोशियोलॉजी वाले हैं, या फिर आपका एक अलग से इसने दे दिया है कि कला में जो पोषण और बाल विकास के साथ स्नातक उपाधि धारण कर रहे हैं उनके लिए है। इसकी ग्रेड पे भी मैं बता दूं आपको 2800 ग्रेड पे की जॉब है, बहुत जबरदस्त है। तो अगर आपके पास ये डिग्रियां हैं तो आप चूको मत, फॉर्म भर देना, ठीक है। अभी तो डेट उन्होंने 3/8 लिखा है, 3 अगस्त से अभी तो फॉर्म नहीं भरा जा रहा है, तो जब फॉर्म भरा जाएगा तो आप लोग भर देना। लेकिन इसका मतलब ये हो गया कि तैयारी आप शुरू कर दो, और क्योंकि ये पीईटी 2021 के अंतर्गत आई हुई परीक्षा है तो ये बहुत जल्दी संपन्न करा ली जाएगी, ठीक जैसे यूडीएलडी करा ली गई है ना, और यूडीएलडी का होना है ठीक वैसे ही आपका ये भी बहुत जल्दी ही करा ली जाएगी, और इसका रिजल्ट भी बहुत जल्दी आएगा, क्योंकि उनका जो 100 दिन में 10,000 का रोजगार का बार बार ये यहाँ पे ढिंढोरा पीट रहे हैं। तो 9,000 पद आपका एएनएम वाला, 2,500 पद आपका ये, 11,500 पद ये, 8,000 पद आपका लेखपाल का, बाकी यूडीएलडीए। तो ये आपका ये दिखाना चाह रहे हैं कि टोटल 20,000 या अपकमिंग 100 और 100 दिन में ये दिखाना चाह रहे हैं कि पीटी 2021 के अंतर्गत हमने 20,000 वैकेंसियां भरी है, जो मैंने आपको बताया था। और ये भी दावा कर रहे हैं कि 2022 के पेट में ये कम से कम 30,000 वैकेंसी लेके आएंगे, 20,000 अभी बोल रहे हैं लेकिन 30,000 की बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं इधर उधर जो भी डिंगे मार देते हैं या जो भी कर दें, बट ठीक है। एक चीज इस बार क्लियर है कि आने वाला समय जो है वो चुनाव का माहौल है, और इस बार 2022 से ज्यादा वैकेंसीज आएंगी, इसको मैं आपको पहले बता दूं। पहले वर्ष में इनका ट्रायल था लेकिन अभी इन्होंने सब कुछ ट्राई करके देख लिया है, सब कुछ इनके हिसाब से सही चल रहा है, तो अब ये वैकेंसीज भी निकालेंगे। तो पीटी 2022 की जो तैयारी कर लो, निःशुल्क तैयारी कराई जा रही है टीम परीक्षा प्लस पे, परीक्षा प्लस ऐप डाउनलोड करिए और वहां पर आप जाइए, पीटी 2022 बैच से जुड़िए। भी यहाँ पे जो आपको कुछ जरूरी चीजें थी मैं आपको यहां पे बता दूं कि जो टोटल पद आए हैं उनमें श्रेणीवार एक बार देख लो तो अनारक्षित के, अनरिजर्व के 1,079 पद हैं, ठीक है।
1079 है, अनुसूचित जाति के 565 है, अनुसूचित जनजाति के 53 है, अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के 727 है, ईडब्ल्यूएस के 269 है, तो टोटल 2693। इसे आप 2700 पढ़ो तो ज्यादा बेटर आपको ऐसा लगेगा, सात पद में कुछ नहीं है ना। और ये अस्थाई से परेशान मत हो, अब तो उनके उनके आधार पर सारी चीजें अस्थाई रहती है, 5 साल का प्रोविजन वो लेके चलते हैं जो उनका नियमावली चलती है। खैर ये आपके सामने विज्ञप्ति रही है, आगे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, इसकी पढ़ाई कैसी करनी है, रणनीति क्या होगी, किताबें क्या होंगी, कोचिंग क्या होगा, कैसे हम लोग बैच इसको आगे लेके चलेंगे, सब कुछ जानकारी दी जाएगी, फॉर्म कैसे भरना है, गलती कहां पे नहीं करना है, ये सारी आपको एक एक इंफॉर्मेशन दिया जाएगा एफएक्यू के माध्यम से। लेकिन उसके लिए आपको चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना है और पीटी 2022 बैच की जो भी तैयारी कर रहे हैं वो लोग जरूर जुड़िए निशुल्क में। फिर मिलेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद सभी को।